दोस्तों, व्हाट्सअप पीपल। सो आज हमारा है फर्स्ट डे और अभी हम लोग हैं जैसलमेर में और जस्ट अभी हम लोग पहुँचे हैं और आपको दिखाते हैं। हम लोग होटल जा रहे हैं, उसमें सब कुछ प्रोसेस बताएंगे कि जैसलमेर में आपको कहाँ होटल लेना चाहिए और दिखाने वाले हम लोग आपको रूम टूर कराएंगे, पूरा जगह के बारे में बताएंगे। और चलिए मेरे साथ करते हैं एक्सप्लोर। अपनी ड्राइव जो है दिल्ली से स्टार्ट करी थी, जो इट टुक्स अप्रॉक्सीमेटली 14 आवर्स जर्नी। अभी हम लोग पहुँचे हैं होटल गाजी और जो कि पड़ता है हनुमान सर्कल के बिल्कुल पास, और हम आपको रूम टूर देंगे और साथ में भी चेक इन करते हैं और आपको पूरा होटल के बारे में बताएंगे। और सबसे पहले इंट्रोडक्शन देता हूँ, जाने पहचाने आपने पहले भी हमारी वीडियोज़ में देखा है, उपमन्यु भाई का चैनल है क्राफ्टी बॉयज फरीदाबाद के नाम से, क्राफ्टी बॉयज FBD। और तो भाई देखना, उसे सब्सक्राइब करना चैनल को, और सबसे पहले भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लेट्स गो फॉर चेक इन। सो गाइस, हम लोग पहुंच गए होटल गाजी और अब चेक इन कर रहे हैं और अब देखते हैं चल के यहाँ पे क्या रेट बताए, रूम कैसे हैं, सब कुछ देखते हैं और बहुत मज़े वाला है। हेलो, कैसे हैं आप? ब्रदर, आपका नेम क्या है? अली। अली जी। तो गाइस, अभी हम लोग आए हैं होटल गाजी में और ये भाई हैं अली जो रिसेप्शन पे अभी यही यहाँ पे पूरा होटल मैनेज करते हैं, ये देखते हैं यहाँ पे। और अभी हम यहाँ पे आके इनसे पूछते हैं कि इनके पास रूम्स में कौन कौन से रूम्स अवेलेबल हैं और अभी आके पता करते हैं और ये रूम के साथ साथ कितनी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। लाइक बहुत से को रहता है कि यार जैसलमेर जाना है, हमें डेजर्ट सफारी करनी है, ये एक्टिविटीज़ करनी है, ये करना है, तो हम उसके बारे में भी यहाँ से जानकारी लेंगे। अब पूछते हैं, पता करते हैं क्या क्या अवेलेबल है। हाँ जी, तो अली जी, हमें ना रूम चाहिए यहाँ पे एक, ठीक है? तो आप उसके बारे में बताएंगे कि आपके पास कौन सा रूम अभी अवेलेबल होगा? मिल जाएगा सर, हमारे पास डिफरेंट कैटेगरी रूम डिफरेंट प्राइसेस से आज की डेट में अभी डिलक्स रूम अवेलेबल है। अच्छा, तो मैं आपको पहले रूम दिखा देता हूँ और उसके बाद फिर प्राइस वगैरह का कन्फर्म। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैंने एक चीज़ और नोटिस करी है कि आपको रेटिंग बड़ी अच्छी मिली है इधर। थैंक यू सर। इस पर किस पे मिली आपको? booking.com पे मिली है 9.1 रेटिंग, जो कि बहुत अच्छी रेटिंग है। लेटेस्ट की 9.2 है। अच्छा, लेटेस्ट की जो है 9.2 है। ओके, ग्रेट ग्रेट। चलो अब रूम को रूम हुए प्लीज आई, मैं आपको रूम दिखा देता हूँ। ये सर अपना डिलीवरी रूम रहेगा। ओके, सो दिस इज रूम 202। सो गाइस, ये है डिलक्स रूम, आप देख सकते हैं डबल बेड कितना अच्छा है और एक फैमिली के लिए, कपल्स के लिए कितना कंफर्टेबल है यहाँ पे, और एक एक्स्ट्रा बेड भी लगा साइड में। अभी आपको टेरेस पार्ट दिखा देते हैं, ऊपर ऊपर ही रेस्टोरेंट भी है, सो ब्रेकफास्ट लंच डिनर भी यहाँ मिलेगा, तो अभी आपको ऊपर चल के दिखाते हैं। ये सर अपना रेस्टोरेंट है, बाकी इधर सारी फोटोज वगैरह। अच्छा जी सर, तो रेस्टोरेंट में आपको ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब मिलता है यहाँ पे? हाँ सर, पूरा अवेलेबल है। चलो बहुत बढ़िया। कोरियन फूड भी है? अच्छा, कोरियन फूड भी आपके पास अवेलेबल है? जी सर, वो यहाँ का स्पेशल है कोरियन फूड, ओनली जैसलमेर में अपने यहाँ पे मिलता है। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। बाकी सब ये कोरियन वगैरह,
सो गाइस ये है रेस्टोरेंट का पार्ट जो कि टेरेस पे और बहुत ही ब्यूटीफुल है व्यू, और अगर दिखाएं तो सामने से बिल्कुल सीधा फोर्ट भी दिखता है। तो अली भाई हमें और ऊपर ले जा रहे हैं और बता रहे हैं कि अगर आप डिनर करते हो ब्रेकफास्ट करते हो तो ऊपर से भी व्यू एंजॉय कर सकते हो आप टॉप से। सो गाइस अली भाई हमें बताने वाले हैं कि ये लोग क्या सर्विस प्रोवाइड कराते हैं डेजर्ट सफारी के अंदर, तो जिसके अंदर आपको सब बताएंगे कि जीप सफारी के बारे में, कैमल सफारी के बारे में, टेंट के बारे में, और यहाँ तक कि जहाँ पे इतना जो कल्चर है फोक डांस वगैरह होता है वो सब कुछ हम बताएंगे। प्राइसेस की टेंशन मत लीजिए, आप मेरे नाम से आएंगे, मेरा चैनल के नाम बताएंगे, भाई अपना आप डिस्काउंट दे देंगे और अपनी तरफ से जो भी होगा बेस्ट कर देंगे। तो आइए इनसे समझते हैं कि ये लोग क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं। तो अली भाई बताइए हमें कि हमें पूरा, हम लोग होटल में रुक गए हैं हम लोग, ठीक है, हमने चेक इन कर लिया है, अब हम कल जाना चाहते हैं डेजर्ट सफारी में, तो आप क्या क्या पैकेज प्रोवाइड कराते हैं? डेजर्ट का सर पैकेज रहेगा, आपको ओवरनाइट करना है या हाफ डे का डे ट्रिप करना है? अगर हम हाफ डे का ट्रिप करते हैं उसमें बताइए, अगर हम ओवरनाइट करते हैं तो उस चीज़ में, दोनों बता दीजिए। वेरी गुड सर, कि जिसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, वेरी गुड सर, कोई इशू नहीं। हाँ सर, यहाँ पे दो टाइप की ट्रिप होता है, एक रहता है नॉन टूरिस्टिक जो मोस्टली फॉरनर लोग करते हैं, ओके, जो अपना डोमेस्टिक उसको सूटेबल नहीं रहता है, ओके, और दूसरा रहता है जो जनरल अपना सब करते हैं, लग्जरी ट्रिप रहता है एक तरह का, उसको लग्जरी भी बोल सकते हैं, इतना तो लग्जरी नहीं फिर भी, तो उसका इस तरह का रहेगा। मैं आपको यहाँ पे स्केड्यूल लिख देता हूँ। कैंपिंग का रहेगा जिसके अंदर 3 बजे चेक इन आता है दोपहर को, okay, और अपना खुद का कैंपिंग है मिडल ऑफ द डेजर्ट है, 3 किलोमीटर रोड साइड से भी दूर है और 40 किलोमीटर जैसलमेर सिटी से रहेगा, ओके, okay। जैसे 3 बजे अपन चेक इन करेंगे वहाँ पे तो टेंट मिल जाएगा, स्विस टेंट रहता है कपड़े का, okay, जिसके अंदर पूरा पैकिंग रहता है और उसके अंदर प्राइवेट बाथरूम वगैरह सब रहेगा, लेकिन उसके अंदर गर्म पानी मॉर्निंग में 6 बजे से लेकर 11 बजे तक रहता है, बाकी वाटर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह 24 आवर अवेलेबल रहता है वहाँ पे, बेडिंग वेडिंग सब प्रीमियम रहेगी। चेक इन करने के बाद रिलैक्स करके चाय वाय पी के और उसके बाद में फिर अपने वहाँ से स्टार्ट करेंगे जीप सफारी, महिंद्रा की जीप रहेगी 4x4 ड्यून बेसिंग के लिए, ये रहेगा जीप सफारी, ओके, अप्रोक्सली 10 किलोमीटर का था गो एंड कम बैक, काफ़ी पिक्चरें वगैरह बनी हुई है लेकिन आप किसी जगह को जस्टिफाई नहीं कर सकते, बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पे कहाँ पे बजरगी भाईजान की पिक्चर बनी थी, कहाँ पे रुजियाली बनी थी, कहाँ पे सरफरोज बनी थी, तो वो चीज़ें अपन जस्टिफाई नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ पे काफ़ी पिक्चरें बनी हुई है, तो ये पूरा 10 किलोमीटर का अप्रोक्सली रहेगा, पूरा बम्पी सफारी रहेगा, ओके, और जीप सफारी रहेगा, उसके बाद फिर कैमल सफारी रहेगा, ओके, कैमल सफारी में 1 कैमल पे 2% का रहता है, तो ये पूरा आधे घंटे का कैमल सफारी रहेगा, डेजर्ट के अंदर पूरा राइडिंग कराएंगे और ये सब चीज़ें रहेगी। इसके अंदर हम उन लोगों को रिकमेंड नहीं करते जिसमें हार्ट का पेशेंट हो या किसी का बैक का ऑपरेशन वगैरह का प्रॉब्लम हो या प्रेगनेंसी, इस चीज़ में हम रिकमेंड नहीं करते, okay, बहुत बम्पी रहती है, फनी रहती है, लेकिन उसके अंदर कहीं किसी का कोई प्रॉब्लम ना हो जाए इसीलिए। अच्छा, उसके बाद ये सफारी फरी होने के बाद सनसेट रहता है वहाँ पे, ऑन ड्यून 6 बजे सनसेट रहेगा, सनसेट वगैरह देखने के बाद फिर से आपको जीप वाला पिकअप करके और अपनी कैंपिंग वापस लेके आ जाएगा 6:30 तक, ओके, 6:30 जैसे आप वापस रिटर्न बैक होंगे उस टाइम ट्रेडिशनल वेलकमिंग रहेगा, आरती तिलक ढोल नगाड़ा के साथ, राजस्थानी लड़कियां वुमेंस करेगी आपका वेलकम, ओके, ट्रेडिशनल वेलकमिंग वगैरह होने के बाद में फिर 7 बजे से कल्चर प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, तो कल्चर प्रोग्राम में राजस्थानी फोक म्यूजिक डांस, कालबिलिया, जिप्सी, बुआई डांस, ये पूरा ऑथेंटिक कल्चर प्रोग्राम रहेगा, तो इसके साथ म्यूजिक वगैरह सब आ जाएगा फोक म्यूजिक, और साथ में टी, कॉफी, स्नैक्स, ये सब चीज़ें इंक्लूड रहेगी। अगर आप हार्ड ड्रिंक लेंगे या सॉफ्ट ड्रिंक लेंगे वो एडिशनल रहेगा, हार्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक उसमें इंक्लूडिंग नहीं रहती है, ठीक है, तो बाकी सब चीज़ें इसमें इंक्लूडिंग रहेगी। उसके बाद ये 2 घंटे का कल्चर प्रोग्राम रहेगा, उसके बाद फिर वहाँ पे ग्रुप डांस रहेगा, ग्रुप डांस में सब इन्जॉय करने के बाद में फिर वहाँ पे फाइनली डिनर लग जाएगा, डिनर भी बुफे रहेगा, रिच डिनर, 10-12 ऑप्शन डिनर में रहता है, ओके, राजस्थानी दाल बाटी चूरमा केर सांगरी गटाकरी पनीर की सब्जी मिक्स वेजिटेबल सब रहते हैं, प्योर वेज खाना रहता है, ओके, और उसके बाद डिनर वगैरह करने के बाद आपको हैंग आउट हो रहा है चिल आउट होने के लिए, तो फिर वहाँ पे हम बॉनफायर करके देते हैं स्पेशली सभी को इंडिविजुअल, तो वहाँ पे फैमिली वाइज बैठ के आराम से स्टार गेजिंग वगैरह कर सकते हो, बॉनफायर में एंजॉय करते करते 11-12 जैसे बजे आपको कंफर्टेबल आता है या स्लीपिंग कीजिएगा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में अगर आप नेचर लवर हो, मॉर्निंग में ट्रैकिंग वगैरह आपको अगर पसंद है ना, तो 7 बजे आपको उठना रहेगा और 7:30 तक अप्रोक्सली सनसेट होता है और सनराइज रहेगा, तो उसमें वॉकिंग करके अपने कैंप के 200 मीटर की दूरी पर ड्यून से पास में, तो वहाँ पे जाइएगा वॉकिंग करके, काफ़ी नमूनों के बर्ड्स वगैरह आपको वहाँ पे मिलेंगे, तो उसका फोटोग्राफी वगैरह कीजिएगा, सनराइज देखिएगा, उसके बाद वापस रिटर्न बैक होके
और शावर वगैरह होने के बाद ब्रेकफास्ट वगैरह रहेगा इंक्लूडिंग। ब्रेकफास्ट में रहेगा पोहा रहेगा, पराठा रहेगा, पूरी रहेगा, चाय कॉफी, ये रहेगा सब चीज़। ओके और ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद 10-11 बजे वहाँ से आप चेकआउट ले सकते हो। ओके तो ये रहेगा 3 PM से लेके 11 AM तक का पैकेज। इसमें रहता है पर पर्सन का 2,500 rupees पर पर्सन का रहता है। ओके लेकिन अभी कोविड की वजह से ना ये 1,500 rupees में पर पर्सन हम सेल कर रहे हैं, क्योंकि इसमें काम के हमारा पब्लिसिटी अच्छा हो जाता है और इस काम के बहाने लोग नेडी लोग हो गए काफ़ी, तो उन इस काम के बहाने उन नेडी लोग की हेल्प भी हो जाती है, हेल्प भी हो जाती है। राइट राइट तो अभी कोविड के सभी को सिचुएशन में इस सब अवेयरनेस दे, तो वही चीज़ ये रहेगा। अगर आपको इनकेस आपको वहाँ नाइट स्टे डेजर्ट के अंदर नहीं करना है, छोटे बच्चे वगैरह इस तरह का अगर रहते हैं कुछ फैमिलीज वगैरह उनको अगर नहीं भी करना है ना, तो उसके लिए ये ऑप्शन रहता है। आप होटल के अंदर ठहरिएगा, दोपहर को 3 बजे रहता है, लगभग 1 घंटा यहाँ से दूरी रहता है, 2 बजे स्टार्ट कीजिएगा और 3 बजे तक पहुँच जाएंगे। तो उसके बाद बाकी सब स्केड्यूल सेम रहेगा, लेकिन उसके बाद फिर वहाँ पे स्टे करने का रहेगा, लेकिन स्टे नहीं रहेगा उसमें, सिर्फ रहेगा 3 PM से लेकर 10 PM तक, जिसके अंदर कैमल सफारी आ जाएगा, जीप सफारी आ जाएगा, डिनर आ गया, इवनिंग कल्चर प्रोग्राम, स्नैक्स, ये सब चीज़ आएगा। उसको हाफ डे ट्रिप बोलेगा, तो उसका ये रहेगा 3 PM to 10 PM, जिसके अंदर प्राइस जाना 1,500 रुपये रहता था पर पर्सन, जो कि अभी हो गया 1,000 rupees। ओके पर पर्सन HD बोलते हैं हाफ डे। ओके हाफ डे का 1,000 rupees हाफ डे का ये रहेगा। ये हो गया डेजर्ट का आपका। और उसके बाद में अगर आपका नेक्स्ट क्या प्लानिंग रहेगा वहाँ पे, एक वहाँ से बहुत अभी नया अच्छा रास्ता बना है, उसको भारतमाला रास्ता बोलते हैं। okay. तो भारतमाला रोड बहुत अच्छा रास्ता है, तो उसका ऑन द वे का एक्सपीरियंस बहुत शानदार रहता है। अगर आप इनकेस आपका प्लानिंग है आगे का तनोट लोंगी वाला देखने का, तो उसके लिए ये रहेगा। तो मैं आपको अभी सिटी का बाकी का इन्फॉर्मेशन वो देता हूँ। ये हो गया डेजर्ट का कंप्लीट। हाँ बिल्कुल ठीक है। आप बाई कार भी घूम सकते, अदरवाइज एक ऑटो रिक्शा हायर कीजिएगा या फिर वॉकिंग, 10 मिनट से ज़्यादा कोई दूरी पर नहीं। ओके okay. अपना होटल है यहाँ पे एग्जैक्टली 1 से लेके 4 तक है ना, ये फोर्ट के अंदर है और यहाँ का फोर्ट 24 घंटा खुला रहता है, लिविंग फोर्ट है। okay. लेकिन उसके अंदर महाराजा पैलेस 5 PM क्लोज होता है, जैन टेंपल 1 PM क्लोज होता है। इस जगह आपको फीस देना रहेगा। okay. बाकी कोई फोर्ट का एंट्री फीस वगैरह नहीं रहता है। उसके अलावा 3 हवेलियाँ हैं बहुत शानदार, 2 लिविंग हवेलियाँ हैं सलीम सिंह की और नथमल जी की। पटवा हवेली MT हवेली 5 PM क्लोज होती है, बड़ी हवेली है, कैपिटल भी है, तो इसको अंदर बाहर से देख लीजिएगा। मंदिर पैलेस राजा का महल है, बहुत शानदार है, लेक है वो बहुत प्यारा लेक है, यहाँ बोटिंग वोटिंग का भी ऑप्शन रहता है, ये रहेगा लेक। ओके okay. तो ये सिटी के अंदर का हो गया। अब आउट ऑफ सिटी घूमें, ये अगर आप वॉकिंग भी घूमेंगे ना तो मैक्सिमम 5 घंटे के अंदर पूरा कवर हो जाता है। अच्छा काफ़ी लोग वीकेंड पे मॉर्निंग में 6 o'clock आते हैं, रात के 11 बजे तक पूरा कंप्लीट करके रिटर्न बैक हो जाते हैं। ओके जी सर। और आउट ऑफ टाउन अगर आपको देखना है, बड़ा बाग रहेगा, रॉयल फैमिली का सेमेट्री एरिया है, बहुत शानदार है। अमर सागर जैन टेंपल है, इधर का जैन टेंपल देख लेते हैं तो फिर इसको स्किप भी कर सकते हो अगर टाइमिंग ना हो तो, नहीं तो अच्छा है। कुलदरा एमिनियन विलेज है, बहुत शानदार विलेज है, उसको हॉन्टेड विलेज बोलते हैं, भूतिया गाँव। ओके तो ये बहुत शानदार। उसके बाद फिर ये डेजर्ट का रहेगा। ठीक है ये पूरा इधर का आ गया। अब हाँ जी स्टार्ट, ये अपना सिटी का रहेगा जिसके अंदर ये आ गया 1, 2, 3, 4। ये फोर्ट के अंदर वॉकिंग डिस्टेंस भी रहेगा, अदरवाइज ऑटो रिक्शा से भी आप कवर कर सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा आउटसाइड से, जिसमें बड़ा बाग आ गया, कुलदरा विलेज आ गया, ऑन द वे में पड़ता है डेजर्ट के सम सेंडियंस के रास्ते में, तो आप इजीली कवर कर सकते हो अगर अपना ऑन कार है, अदरवाइज आपको एडिशनल पे करके और आप हायर कर सकते हैं। फिर एक इंपॉर्टेंट है यहाँ पे तनोट लोंगे वाला, अगर आपके पास टाइमिंग है तो 6 घंटे का टूर रहता है, जिसमें आप डेजर्ट कैंपिंग करने के बाद नेक्स्ट डे अपना कैंप से 5 किलोमीटर आगे रहता है भारतमाला रोड करके, अभी नया है, नोट ऑन मैप है, अभी फिलहाल हाईलाइट जल्दी हो जाएगा वो, तो वो बहुत शानदार रास्ता है। उसके ऑन द वे का है ना वाइल्ड लाइफ बहुत अच्छा है, जिसके अंदर आपको है ना काफ़ी वहाँ पे रहेगा कैमल्स के, फीमेल कैमल्स का झुंड रहेगा, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स का पूरा ऑन द वे का एक्सपीरियंस रहेगा, डेजर्ट भी टचेबिलिटी रहेगा रास्ते के, तो बहुत शानदार रहेगा एक तरह का। और माता जी के टेंपल है, उसके बारे में आप गूगल वगैरह पे ज़्यादा पढ़ सकते हैं, बहुत शानदार है। उसके अलावा लोंगे वाला पोस्ट है जो बॉर्डर पिक्चर के अंदर दिखाया गया है, तो वो बहुत शानदार है वहाँ पे, वो म्यूजियम है। उसके बाद आगे बॉर्डर का रहता है, उसका परमिशन के बिना अलाउड नहीं करते, तो उसका आपको अभी कमेंट नहीं कर सकती, देख लेना बाय चॉइस, अगर मिल जाए तो गुड लक, अगर नहीं मिलता है तो अलग बात है। तो ये रहेगा सब। चलो ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, आपने इतनी इन्फॉर्मेशन दी है और इससे ही बहुत लोगों को हेल्प भी होने वाली है। हाँ बताओ। ये होटल का भी जो मैंने आपको रूम दिखाया, आज की डेट में अपने पास डिलेक्स रूम अवेलेबल है जो मैंने अभी आपको दिखाया वही, बाकी स्टैंडर्ड रूम भी है, फैमिली रूम, 3 ऑप्शन है हमारे पास। स्टैंडर्ड रूम नॉन एसी रहेगा विदाउट विंडो, और डिलेक्स रूम रहेगा 4 TV जो भी आपको दिखाया। दूसरा फैमिली रूम रहता है क्वाड्रुपल, जिसमें 2 बड़ा किंग साइज बेड रहता है। ओके उसका प्राइस ये है, लेकिन अभी कोविड की वजह से ना 50% ऑफ में सेल कर रहे हैं।
ओके, स्टैंडर्ड रूम का जी, स्टैंडर्ड रूम 500 रुपीस रहेगा, डिलेक्स रूम का 1000, फैमिली रूम का 1500 रुपीस रहेगा जी सर। लेकिन अभी डिलेक्स रूम अवेलेबल है जो अभी आपको मैंने दिखाया हुआ है, बाकी ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच। सो गाइज, ये है टेंट का एरिया जो स्विस टेंट है, और बहुत ही अच्छे बने हैं, पूरा बेड है, वॉशरूम है, बाथरूम है, तो बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है। राइट नाउ आई एम इन सैम सैंड ड्यून्स, और अभी करी है जीप सफारी। मेरे पीछे, सो गाइज, मेरे पीछे हो रहा है सनसेट, जो कि बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। यहाँ से व्यू चारों तरफ सैंड ड्यून्स है, और इतना अच्छा लग रहा है, बहुत साइलेंट है, बहुत पीसफुल है, और बहुत इंजॉय कर रहा है। इवन यहाँ तक कि सैंड इतनी सॉफ्ट है कि अभी तक उस पर फुटप्रिंट्स के निशान भी, सैंड इतनी सॉफ्ट है कि इवन फुटप्रिंट भी नहीं है इसके ऊपर। सो गाइस, आफ्टर वॉचिंग अ ब्यूटीफुल सनसेट, हम जा रहे हैं अपने कैंप की तरफ, और जहाँ पे हम लोग फोक डांस देखने वाले हैं, ट्रेडिशनल डांस राजस्थान का, और ये बहुत ही सुंदर नज़ारा है। सो फ्रेंड्स, अभी हम हैं पीरू भाई के साथ, जो हमें स्पेशल नाइट सफारी पे लेके आए हैं, और जो कि सैम सैंड ड्यून्स में है। और यहाँ पे हमने देखो बॉनफायर्स लगा रखी है, और पीरू भाई ने ऑर्गेनाइज करी है ट्रिप, और जो कि बहुत सुंदर ट्रिप है, और बहुत अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ क्लाउड्स में, स्टार्स और मून का बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। ये भाई हमारे ही हैं,
गाइस मेरे पीछे वो बैटल टैंक है पाकिस्तान का, जब बैटल फील्ड चल रहा था बैटल फील्ड में थे, तो सिर्फ यही लौंगे वाला में जो दो टैंक है जो बचे थे और बाकी जितने सारे टैंक थे पाकिस्तान आर्मी के सारे डिस्ट्रॉय कर दिए थे। और जैसे मैंने वीडियो में दिखाया यही दो टैंक है और लेट्स सी आगे मैं और भी दिखाने वाला हूँ गन्स। ये पूरी बैटल फील्ड थी जहाँ पे पूरी लड़ाई चली थी, यहाँ पे बैटल फील्ड चली थी। तो पाकिस्तान वालों का प्लान ये था कि सबसे पहले वो लौंगे वाला पे कब्ज़ा करेंगे, बट उसके बाद लौंगे वाला पे कब्ज़ा ना करके करने के बाद उन्होंने उसका प्लान था सेकंड कि लौंगे वाला के बाद रामगढ़ और रामगढ़ के बाद जैसलमेर, बट अपनी इंडियन आर्मी ने उनको वहीं पर डिस्ट्रॉय कर दिया और वो आगे नहीं बढ़ सके। सो ब्रेव सोल्जर्स। नाइट में मैं रुका था, मैं आपको एक रूम टूर देना चाहता हूँ जहाँ पे मैं नाइट में स्टे कर रहा था अपने फ्रेंड के साथ, और मैं आपको रूम दिखाना चाहूँगा। ये हमारा रूम था और यहाँ से जो व्यू दिखेगा इट विल रियली मेसमराइजिंग यू। सो गाइस जो मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा ये है होटल पैराडाइज और इसमें है ये रूम 105 जो कि एक हेरिटेज रूम है और इसमें रुकने की बात ही अलग है। और जो मैं दिखाने वाला हूँ आपको इट विल नेक्स्ट लेवल। जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक खूबसूरत नज़ारा एक हेरिटेज रूम से जो फोर्ट में बना हुआ है जहाँ पे राजा रानी रहते थे। और जो मैं आपको यहाँ से व्यू दिखाने वाला हूँ, जो मैं चीज़ दिखाने वाला हूँ, और चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ। सो गाइस 1 2 3
सो गाइस ये था हेरिटेज रूम, और अगर मैं प्राइस की बात करूँ पर नाइट का जो मुझे पड़ा था वो 3000 पड़ा था इस रूम का फॉर वन नाइट। और अगर आप यहाँ पे आते हैं जैसलमेर में तो आप एक बार यहाँ पे आइए, विज़िट करिए, एंड इट इज़ रियली वर्थ इट, यू नो, कि आपको इतना अच्छा रूम मिल जाए फैमिली के साथ और सामने आप विंडो ओपन करें जो एकदम डोर जैसी हो और एकदम पूरा सिटी का आप व्यू ले रहे हैं, एकदम रॉयल फीलिंग वाला, तो बहुत अच्छा लगेगा। और सिटी पूरी गोल्डन है, गोल्डन घर बने हुए हैं हाउसेस, और जब इन पे सन रेस पड़ती है, सन की लाइट पड़ती है, एंड बहुत ही गोल्डन शाइन करते हैं यहाँ के घर, और यहाँ की जो मिट्टी है बिल्कुल गोल्डन शाइन करती है, प्रॉपर डेजर्ट इसके चार, छोटी सी सिटी है और छोटी सिटी है ये, और डेजर्ट चारों तरफ डेजर्ट है। कल भी हम लोग गए थे, कल हमने प्लान करा था अपना, कल सबसे पहले हम लोग सैंड्यून्स में रुके थे, उसके बाद हम लोग गए थे टनॉट जहाँ पे पाकिस्तान आर्मी ने बॉम्ब फायर करे थे और जो कि एक टेंपल के पास आके गिरे थे मगर वो नहीं फटे थे, तो हमने वो अपना एक्सप्लोर करा था, वहाँ पे हम लोग घूमे थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे एक्सप्लोर टनॉट के होने के बाद हम लोग लोंगेवाला गए जो कि अपना 35 किलोमीटर्स था टनॉट से। लोंगेवाला एक बैटल फील्ड है जहाँ पे बहुत अच्छा लगा था बैटल फील्ड में जाके। होटल पैराडाइज में जो एक लिविंग फोर्ट है जैसलमेर के अंदर, गोल्डन लिविंग फोर्ट, और अभी हम हैं सर के साथ जो यहाँ के बारे में बताने वाले हैं, पूरे हिस्ट्री कल्चर के बारे में बताएंगे कि कैसे यहाँ पे क्या हिस्ट्री थी यहाँ की, और फिर इसके बाद ये जो हिस्ट्री थी ये कैसे लिविंग फोर्ट में कन्वर्ट हुई, उसके लिए आप सारा हम सर से पूछेंगे और सर हमें बताएंगे आज के बारे में। तो सर आपका नाम हमारे व्यूवर्स को? मेरा नाम चंद्रशेखर पुरोहित है, मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ, और हमारे मतलब हमारे पैतृक स्थल यही है। यहाँ के हिस्ट्री के बारे में जो आप पूछ रहे हैं, तो यहाँ मतलब एक समय कृष्ण और अर्जुन यहाँ घूमने आए थे, कृष्ण अर्जुन घूमने आए थे। हाँ, तो ये घूमते घूमते आए तो वो यहाँ पानी की समस्या होने लगी जी, ये पानी नहीं है, तो उन्होंने कृष्ण जी ने अपने लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर है हाँ जी, वहाँ से अपने शत्रु से चक्र से पानी पानी का कुआ खोदा, ठीक है ना जी जी। फिर कृष्ण भगवान ने कहा यह हमारे वंशज बसेंगे, तो यहाँ की जो राज फैमिली है ये कृष्ण फैमिली की, यदुवंशी है, कृष्ण फैमिली है। तो हाल ही में जो हमारे यहाँ के महाराजा थे बृजराज सिंह जी की, उनका निधन 28 दिसंबर को दिल्ली में मेदांत हॉस्पिटल में हो गया। उसके बाद उनका देवलोक पधारे, जब उनके देवलोक सौ यात्रा में हजारों लोगों की संख्या अपने आप लोग स्वाभाविक रूप से जुड़ने लगे, क्योंकि अभी वो लोगों में राजतंत्र की प्रति भावना जुड़ी हुई है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो इसके बाद उनके पुत्र अभी जो चेतन राज सिंह जी है, उनका राजतलगु है, जिसमें मैं भी अपने, हम उनके राजगुरु हैं, तो हमें अपने अपन थन के वहाँ ढाल तलवा लेके जाना पड़ता है, ठीक है ना। तो सबसे अच्छी बात गाइस ये है, जो सर हैं राजा के राजगुरु हैं, आप समझ रहे हैं, राजगुरु का मतलब ये भी अपने मेन पावर यही है, और अपने में बहुत बड़ी ये पोस्ट होती है और जो हर किसी को नहीं मिलती। हाँ, तो सर बताइए आगे एक्सपीरियंस कैसे रहा आपका राजा के साथ और ये सब कुछ कैसे हुआ? फिर मतलब अब किसी बारे में पूछने जा रहे हैं? राजा के राजगुरु के बारे में। हाँ, राजगुरु भी मतलब अनशानुगत हम उनके राजगुरु, हमारे पिताजी, फिर हमारे दादाजी, उनके कंटिन्यू चलते आ रहे हैं, ठीक है ना जी। तो हमारे पिताजी इनके दादाजी के पूरे आम मुख्तियार थे जी, जो भी काम होता था तो उनके बिना कुछ बना नहीं होता, उनके बिना कुछ नहीं होता। एक बार वो आया सत्यजीत रे, उन्होंने फिल्म की शूटिंग करनी चाहिए, तो उन्होंने दरबार से पूछा कि मुझे शूटिंग करनी है, तो मैं नहीं परमिट देता, मेरा प्राइवेट सेक्रेटरी जो किशन लाल जी है, जो मेरे पिताजी है, उनसे आप परमिशन लो। हाँ जी। तो परमिशन लेने आए तो उन्होंने पूछा इसके बारे में क्या लोगे, तो हमें कुछ नहीं चाहिए, आप जैसलमेर को एक हाईलाइट भी ले लो ताकि हमारा जैसलमेर की एक नाम हो,
उसके बाद वो सोनार कला फिल्म बनी यहाँ पे, उसके बाद ये बंगाली टूरिज्म शुरू हुआ, उसके बाद ये वेस्टर्न टूरिस्ट यूरोपियन टूरिस्ट आने लगे, जैसलमेर की जो टूरिज्म है वो लाइफ लाइन बन गई हमारे लिए। जो पहला सोता हुआ शहर था कोई नहीं यहाँ पे आता था, ठीक है ना, तो कहते थे कि अगर स्लीपिंग सिटी थी ये, किसी को सजा देनी हो तो जैसलमेर, किसी को अगर सजा अगर देनी हो तो जैसलमेर उनको भेज देते थे। चारों पास चारों तरफ रेगिस्तान रेगिस्तान, पानी की समस्याओं से भरा हुआ शहर था। पर जब ये टूरिज्म शुरू हुआ तो यहाँ धीरे धीरे जैसलमेर का विकास होने लगा, कैनाल आई, पानी आया, लाइट आई, पानी बिजली सब एकदम विकसित हो गया है जैसलमेर। सर एक चीज़ जैसे पूछना चाहेंगे, जब ये रेगिस्तान था सिर्फ एक किला ही ऐसा था जहाँ पे जो एक जहाज की तरह, हाँ, था। ये एक जहाज की तरह किले में लोग रहते थे शुरू शुरू में। जब किला बसा 850 साल 865 साल पुराना किला है, शुरू शुरू में जब जैसल सिंह यहाँ का राजा था, मेयर उसका एडवाइजर था, तो उनके अपने किले की बाउंड्री देखी, किला का मेयर पर्वत को भी कहते हैं मेरू पर्वत, मेरू पर्वत, तो उसमें किला बसाया। तो उस टाइम किले के अंदर पब्लिक रहती थी, ठीक है ना। फिर यहाँ पे भाई जोहर भी हुए, जोहर हाँ, जोहर बताया, और जब अगर आया था तभी औरतों ने चौक में अग्नि में कूद के अपने को भस्म कर दी, अपने को भस्म कर दी जब औरंगजेब आया। हाँ, और जब अपने यहाँ की औरतें का जो करेक्टर होता है बहुत स्ट्रांग होता है, हाँ जी, वो अपने करेक्टर को लूज नहीं करना चाहती थी, उन्होंने जोहर प्रथा थी यहाँ की, हाँ जी, उसमें अपने उनको बताते कि अब युद्ध जीतने वाले हैं नहीं, तो उससे पहले वो आग में कूद के जल गए। अच्छा, इसी चौक पे जो यहाँ, हाँ, ये जोहर चौक दशहरा जोहर भी गिर। अच्छा, उस टाइम पे जैसे किला ही था, मैंने नोटिस करा है पूरा किला घूम चुका हूँ, मगर मुझे यहाँ पे कोई भी ऐसा लेक नहीं दिखी किले के अंदर, तो इसके किले के अंदर 9 कुएं हैं पानी के। अच्छा, 9 कुएं, हाँ, पानी के अंदर, हाँ, 9 स्टोरेज पानी के, अमेजिंग, इट्स 9 कुएं हैं, 9 वेल हैं इस किले के अंदर, आप समझ रहे हैं। अच्छा, तो अभी भी किले में पानी है, पानी नीचे लेवल बहुत नीचे है, लेवल पानी पानी निकाल निकल जाता है, ठीक है। वैसे गढ़ीसर लेक भी एक, गढ़ीसर तो एक नेचुरल पानी की जो बरसात का पानी उसके लिए स्टोरेज बनाया हुआ था, एक समय ऐसा हुआ कि पानी पूरा खत्म हो गया, तो किले में शहर में पानी मीठा अमृत पानी था ये, तो शहर में पूरा हाहाकार मच गया। तो यहाँ के महाराजा गिरधर सिंह जी थे जो इनके परदादा अभी राजा के, उनसे सब राजा गए कि पानी समाप्त हो गया, हमें बहुत समस्या होगी, तो राजा अपने पाँव में चप्पल बना चप्पल, लक्ष्मीनाथ जी के यहाँ मेन मंच उनका मंदिर है कृष्ण मंदिर, अपनी तलवार वहाँ गिरवी रखी कि मुझे कल गढ़ीसर में पानी चाहिए। तो सुबह जब लोग पब्लिक उठे तो पानी की आवाज़ से जो कलकलाहट हुई, सब शहर पूरे में उत्सव हो गया और पानी पूरा लबालब हो गया शहर में, एक ऐसे उत्सव का माहौल, लोगों में खुशी का हो तो इजहार किया, उसको कोई सीमा नहीं है। बहुत अच्छा लगा। और सर एक बार बताइए कि इस समय जो जो करंट राजा हैं यहाँ पे, वो कौन है, क्या करते हैं, और अभी क्या नाम अभी जो अभी जो हाल ही में इनका राजतिलक हुआ 15 जनवरी को, उनका नाम चेतन राज सिंह जी है, चेतन राज सिंह, उसका छोटा भाई भी जन्मजय सिंह है, उनका उनका बराबर है। अभी उनका जो मेन धंधा थी जो किले में जो पैलेस बना के रखा है, हाँ जी, म्यूजियम बनाया, उसका मेन सोर्स इनकम सोर्स यही है, इनकम सोर्स, बाकी इनके बाजार मार्केट में दुकानें वगैरह, और दिल्ली में इनका एक बड़ा गेस्ट हाउस भी है जो एमबीसी को दिया हुआ है, जी जी जी, उनका जो मेन इनकम सोर्स अभी है। ओके ओके, ठीक है। और अभी कहाँ रहते हैं, किले में तो रहते हैं, किले में इनका जवान निवास पैलेस यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर दूर है पश्चिम की तरफ, वहाँ अपना अपने जवान निवास पैलेस में वहाँ रहते हैं अपने महारानी के साथ। तो सर ये जैसे फोर्ट था, ये आपने अभी तक हमें बताई है हिस्ट्री फोर्ट की, ये ऐसी हिस्ट्री रही ये है, फोर्ट की जो हाइट है 256 फीट है, 256 फीट हाइट, हाँ। तो सर यहाँ पे कोई लड़ाइयाँ वगैरह भी इस किले में, और ये मुगल आए थे, औरजम वगैरह आए थे 16वीं सेंचुरी में आए थे। अच्छा अच्छा, मगर वो किले के अंदर तक नहीं, किले में चारों तरफ किला बंद कर दिया, किले के अंदर पत्थर लगे हुए, जो ऊपर चढ़ते या तेल गर्म तेल ऊपर डाल देते थे, और पत्थर गोल पत्थर थे, हाँ जी, उनको फेंक देते तो किले में आना संभव हो जाता। अच्छा, किले में, और किले में हमारे अन्न का स्टोरेज को अन्नपूर्णा भंडार है, मतलब पूरा अन्न का स्टोरेज बना हुआ था किले में, 2-2.5 लोग थे, पब्लिक थी नहीं, पूरा किले सेफ था। अच्छा, किला एकदम सेफ था। तो सर यहाँ तक हमारी हो गई ये बात हिस्ट्री की, अब मैं जानना चाहूँगा कि ये जो हिस्ट्री था ये मॉडर्न सिटी में ये फोर्ट कैसे कन्वर्ट हुआ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ सारी फैसिलिटीज हैं, घर बने हुए लोग, ये जब ड्यू टू टूरिज्म हाँ जी, टूरिज्म आया तो धीरे धीरे इसका मॉडिफिकेशन होता गया। हम ये जो बिल्डिंग है हमारी, हाँ जी, ये पार्ट ऑफ रॉयल पैलेस है, एक समय ये राजा की फैमिली रहती थी, उसके बाद राजा की फैमिली कहीं शिफ्ट होगी तो राजा का हाईकोर्ट भी बना। ओके, सो गाइज जहाँ पे अभी हम लोग बैठे हैं, ये एक राजा की रॉयल फैमिली भी यहाँ रहती थी, और दूसरा ये हाईकोर्ट भी बनी थी ये प्लेस। हाँ, राजा का हाईकोर्ट था, राजा का जब शासन था उस समय हाईकोर्ट था, फिर राजा का शासन समाप्त हुआ तो बिल्डिंग खाली पड़ी थी, 1975 में यहाँ हैवी रेनफॉल हुआ जी, इसे बिल्डिंग पूरी रुइन बर्बाद हो गई थी। ओके, तो हमारे पिताजी उनके प्राइवेट सेक्रेटरी थे, उन्होंने कहा भाई हमें दे दो तो हम अपना कोई धंधा चालू करो, इस टाइम टूरिज्म शुरू हो गया था, ठीक है ना, तो हमने 1982 में उनसे लीज पे ले ली, ठीक है ना, लीज पे ले कर फिर पूरा उसको मॉडिफिकेशन किया, रूम में कन्वर्ट किया, हाँ जी, ठीक है ना, और होटल चालू कर दिया।
इसका नाम ये बिल्डिंग एक नेचुरल बिल्डिंग है, गर्मियों में मतलब और ठंडी रहती है और सर्दियों में गर्म रहती है। तो हमारे जो सर्दियों में जो हवा आती है वो आती है नॉर्थ से, उत्तर से, उत्तर दिशा से जी। तो हमारे जो बालकनी वगैरह सब साउथ में है, तो साउथ में जो भी गर्मी हवा आती है वो साउथ से आती है, वो नेचुरल प्लेस है, इसलिए हम इसका नाम पैरगड़े करते हैं। वैसे नेचुरल प्लेस है मतलब, और किले की बेस्ट लोकेशन, सिटी की बेस्ट लोकेशन, सनराइज सनसेट वगैरह सब पूरा खुला ही जैसे कोर्ट वार्ड वगैरह कहीं नहीं मिले। और सर एक चीज़ बताएंगे, जैसे हम लोग किले में आ गए, अब यहाँ पे अगर जैसे कोई बाहर से टूरिस्ट आते हैं तो वो क्या घूम सकते हैं किले के अंदर, क्या मेन अट्रैक्शन? किले के मेन अट्रैक्शन तो यहाँ जैन मंदिर है जहाँ 7,000 करीब मूर्तियाँ हैं, 7,000 मूर्तियाँ, 6,000 अप्रोक्स मूर्तियाँ हैं। मेन ये है म्यूजियम है, और किले के चारों तरफ तोपें लगी हुई है, चारों तरफ तोपें लगी हुई है, जहाँ किले का सिटी का व्यू वगैरह आराम से देखते हैं जी। और यहाँ जो आर्ट और कार्विंग्स, हाँ जी, जैसलमेर की एक कलाकृति है, जो भी अपना मकान बनाएगा उसके आगे एक झरोखा बनाएगा, झरोखा बनाएगा, और झरोखा में जो जो कार्विंग्स होती है अपने आप में अद्भुत है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है ना। यहाँ का कल्चरल था मतलब, ये जहाँ भी मकान बनाओ उसके आगे झरोखा, उसमें कार्विंग्स वगैरह जो पत्थर की शैली अपनी जैसलमेर का शैली है उस हिसाब से बनाना। वैसे मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, मैं जयपुर भी गया हूँ जिसे पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, हाँ। जोधपुर भी गया हूँ ब्लू सिटी के नाम से, ये गोल्डन सिटी है, ये गोल्डन सिटी है, इसका एकदम अलग ही एक्सपीरियंस है। मतलब पत्थर है ना, ये पत्थर है जो मतलब येलो कलर के, येलो कलर, ये सुनार गोल्डन सिटी उस नाम उसने दिया, जब उसने सूरज की किरणें पत्थर पे पड़ी, हाँ जी, ये पूरा सोने की तरह लगने लगा, सोने की तरह पूरा गोल्डन, हाँ जी, तो इसका नाम गोल्डन। और सच में अमेजिंग व्यू आता है अगर हम टॉप से जाकर देखें तो, ये अपने आप में अद्भुत सिटी है। यहाँ पटवा की हवेली देखो, चाहे नथमल की हवेली देखो, चाहे सलीम सिंह की हवेली देखो, हाँ जी, अपने आप एक शांत शहर था। अब ऊपर ऊपर उस हिसाब से पहले यहाँ लगभग आबादी 8-10,000 की थी, अब तो लाखों में हो गई है जी, ये कैनाल आ गई, फसलें हो गई, सब हो गई, सब। हाँ जी, हाँ जी। और तो सो गाइस, ये थी मैंने आपको सर के साथ बताई है हिस्ट्री की, किले की हिस्ट्री क्या थी यहाँ पे, और फिर ये जो किला जो था हिस्ट्री से मॉडर्न सिटी में कैसे कन्वर्ट हुआ, जैसे हमने बताया आपको हर छोटी बड़ी चीज़ बताई, और ये भी किसी ने नहीं बताया कि इस किले के अंदर अभी भी 9 कुएँ ऐसे हैं जो प्रेजेंट है, जो सोर्स ऑफ वाटर हुआ करती है उस टाइम पर लोगों की। और घूमने का तो सब कुछ बताते हैं, ट्रैवलिंग का सब कुछ बताते हैं, जो मगर जो इनरिच हिस्ट्री है इस कल्चर की, वो हमने उसमें आज एकदम आपको लाइव बताया है। और ये हर किसी नहीं पता लगेगा, क्योंकि सर ने जो बताया बिल्कुल राजघराने से बिलोंग करते हैं, राजघराने के बारे में जितना अच्छे जानते हैं, क्योंकि सर खुद राजगुरु रह चुके हैं राजा के, तो जितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन सर ने हमें दी है, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें आगे कहीं से नहीं मिलती, तो हम इसके लिए तहे दिल से सर का धन्यवाद करते हैं। काफ़ी अच्छा लगा है काफ़ी मिलके। और हम दूसरी बात ये है, हम यहाँ पे नाइट स्टे भी हमने करा है, और बहुत ही अच्छे होटल्स हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, सर्विस अंकल ने बहुत अच्छी प्रोवाइड कराई है हमें, और जो हमने यहाँ पे रूम्स देखे हैं बहुत अच्छे लगे हैं, और नाइट स्टे भी हमने रूम में करा था, तो ऐसा लगा था कि मतलब हम एक मतलब किले के अंदर रुके, प्रॉपर जो फीलिंग कहते हैं ना कि अगर किले में गए हो तो आप प्रॉपर फीलिंग आनी चाहिए आपको किले में रुकने वाली, वो हमने अच्छे से देखी है। हाँ सर, एक बार जैसे हम लोग आते हैं, कोई टूरिस्ट हमारे फ्रेंड्स आते हैं या फिर ग्रुप आता है हमारा, या जो ट्रैवलर्स होते हैं, अगर वो अगर उनको होटल पैराडाइज आना तो कैसे आ सकते हैं? डायरेक्ट आ सकते हैं, ऑनलाइन बुकिंग हो जाती है, ऑनलाइन बुकिंग हो जाती है हमारे सब में, जो भी वेबसाइट बनी है ट्रैवलिंग की हमारे सब में लॉन्च किया हुआ है पैराडाइज। अच्छा, तो ऑनलाइन बुकिंग भी हो सकती है इसमें ना? हाँ ठीक है, होटल पैराडाइज। और सर आपके पास कौन कौन से रूम्स अवेलेबल हैं, जैसे रूम्स के स्टैंडर्ड और डिलक्स रूम? ओके, सो स्टैंडर्ड एंड डिलक्स रूम आपके पास अवेलेबल है? तो डिलक्स रूम सब हाई लेवल के बालकनी वाले हैं, सब डिलक्स रूम है, नीचे वाले जो है जो विंडो वगैरह वो स्टैंडर्ड। जी जी, तो सर ने बताया है इनके पास रूम भी अच्छे अवेलेबल हैं, और यहाँ तक कि मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे आ सकते हैं इस प्लेस तक, और मैं आपको अभी रूम का टूर भी दूंगा, और ऊपर टेरेस पे जाके भी आपको व्यू दिखाने वाला हूँ। और अगर पानी की बात करें, पानी यहाँ पे बाथरूम में हॉट एंड कोल्ड दोनों मिलता है, और साथ में यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट मिल जाएगा ब्रेकफास्ट लंच और डिनर के लिए। और ऐसे ही अगर आप सनराइज़ और सनसेट इन्जॉय करना चाहते हैं तो यहाँ पे टेरेस भी है, ओपन टेरेस है, अपना जाइए फैमिली के साथ फ्रेंड के साथ ऊपर इन्जॉय करिए, बहुत अच्छा व्यू आएगा, यहाँ से पूरी सिटी दिखेगी, और शाम के टाइम इवनिंग में अगर आप सनराइज़ सनसेट देखते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा। सो ये थी हमारी जर्नी, और इसी जर्नी को हम ख़त्म करते हैं जैसलमेर में होटल पैराडाइज में सर के साथ, और कुछ नई मेमोरीज बनाई हैं, और फिर से दोबारा उम्मीद करते हैं कि फिर से हमारा यहाँ पे आना हो और सर से मिले हम, और ऐसे ही ट्रैवल करते रहिए, खुश रहिए, फैमिली को लेके आइए, फ्रेंड्स के साथ घूमिए, तो ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।